बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम समद मुरसलीन है और ये एडम्स जेम्स गैलरी यहाँ पे मैंने बनाई है टू रिप्रेजेंट द पाकिस्तानी जेम स्टोन एंड पाकिस्तान ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पाकिस्तान। तो ये हमने पाकिस्तान के कल्चर और ट्रेडिशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये गैलरी बनाई। इट्स अ एक्सक्लूसिव जेम स्टोन गैलरी इन पाकिस्तान और ये बिल्कुल पाकिस्तान की ट्रेडिशन के मुताबिक हमने बनाई है और यहाँ पे डिफरेंट एरियाज से पाकिस्तान जेम स्टोन्स, पाकिस्तान इज़ वेरी मच रिच इन जेम स्टोन्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को जेम स्टोन का पता नहीं है और पाकिस्तान में हर किस्म का जेम स्टोन्स दरियाफ्त हुआ, पैदा होता है और एक्सपोर्ट होता है। ये मेरा शौक़ था। मैं बचपन से वालिद साहब के साथ, मेरे वालिद साहब ऑक्टर कॉन्ट्रैक्टर थे, तो पूरे पाकिस्तान में हमारा वो था, लाहौर में हमारी फैक्ट्री थी, तो हम बहुत ट्रेलिंग होती थी। तो उस वक्त जीटी रोड होती थी, जब दरिया के किनारे मैं खड़ा हो जाता तो मैं खूबसूरत पत्थर उठा के जेबों में भर के घर ले जाता था। तो ये मुझे बचपन से ही शौक़ था खूबसूरत पत्थर कलेक्ट करने का, कलरफुल पत्थर कलेक्ट करने का। तो फिर शौक़ में ही मैंने फिर इसको जेमोलॉजी सीखी और फिर मैंने बड़े शौक़ से ये गैलरी बनाई, जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं तो वो पहले मेरी गैलरी की तारीफ़ करते हैं, फिर उसके बाद वो जेम स्टोन्स देखते हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट स्टोन प्रोड्यूस होते हैं, रूबी, सफ़ायर, एक्वामरीन, टर्मलीन, गार्नेट, क्वार्ट्ज़, तकरीबन हर कलर स्टोन पाकिस्तान से निकलता है और बड़ा अच्छी क्वालिटी का निकलता है। बहुत एक्वामरीन हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का है और नीलम वैली का जो सफ़ायर है वो तो अब नहीं रहा, बहुत कम मकदार में आ रहा है, क्योंकि एक फॉरनर आया था और उसने वो वहाँ पे सारा निकाल लिया था। जो अब वो वहाँ पे $3,000 पर कैरेट बिकता है अच्छी क्वालिटी का नीलम। और इसी तरह रूबीज़ हैं हमारे मुल्क में, कश्मीर साइड पे बहुत अच्छा रूबी होता है। स्वात का एमरल्ड, वन ऑफ द बेस्ट एमरल्ड इन द वर्ल्ड, जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इसी तरह गिलगित से एक्वामरीन वगैरह निकलता है। डायमंड क्वार्ट्ज़ द ओनली सोर्स इन द सेकेंड ओनली सोर्स ऑफ डायमंड क्वार्ट्ज़, ये क्वार्ट्ज़ का होता है और ये पाकिस्तान एक अमेरिका में है हरकमेर में, और ये कि यहाँ पे है। डायमंड क्वार्ट्ज़ क्वेटा से निकलता है, फेडन क्वार्ट्ज़ क्वेटा से निकलता है। इस तरह डिफरेंट माइंस हैं जहाँ से गार्नेट निकलता है। तकरीबन ऑलमोस्ट सब स्टोन, या चतराल से एमरल्ड निकलता है, शांगला से एमरल्ड निकलता है, तो ये अच्छी क्वालिटी के एमरल्ड हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे चूँकि इसकी वैल्यू एडिशन नहीं होती, दूसरा इसको बहुत कम कीमत पे बेच दिया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि लोग छोटे छोटे आइटम को भेज सकें, और फिर ये यहाँ बाहर जाके इसकी वैल्यू एडिशन होती है और फिर ये लाखों करोड़ों में बिकते हैं।